पास एक प्रॉब्लम है स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो है अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन एन होल स्क्वायर। अब देखिए इसका एस डी निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें हैं कुछ मार्क्स दिए हुए हैं कुछ बच्चों के और फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं। अब देखिए तो सबसे पहले हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं मार्क्स, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी। मार्क्स आपको यहीं से एक्सरसाइज उतार लेने हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसीज नोट डाउन कर लेते हैं 1, 2, 4 और 3। एन की ज़रूरत पड़ेगी हमको सिग्मा एफ, तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं, हो गया आपका 10। सिग्मा एफ भी बोलते हैं इसको, या आप एन लिख सकते हैं जैसे भी आपकी कंफर्टेबिलिटी है। अब देखिए हमको एक एक्स चाहिए, एक्स मतलब इसकी मिड वैल्यू, 0 और 10 की मिड वैल्यू 5, 15, 25 और 35। एफ एक्स कैलकुलेट कर लेते हैं, 5, 30, 100 और 105। अब देखिए सिग्मा एफ एक्स चाहिए, सिग्मा एफ एक्स कैलकुलेट कर लेते हैं, इसका टोटल कर लेंगे तो 240 है इसका टोटल। अब देखिए हमको चाहिए एक, यहाँ इस कैलकुलेशन के हिसाब से, इस फॉर्मूले के हिसाब से हमको चाहिए डी। जो डी होता है आपका वो होता है एक्स माइनस एक्स बार। एक्स बार जहाँ पर क्या है, एक्स बार है इसका क्या, अरिथमेटिक मीन, मीन। तो ये है आपका 240 डिवाइडेड बाई 10, ये 24। अब देखिए आपको निकालना है डी, एक्स में से एक्स बार घटाना है, एक्स मतलब 5 में से आपको घटाना है 24, तो 19 हो गया, माइनस 9, 1 और 11। अब देखिए हमको क्या मिल गया डी, इस फॉर्मूले के हिसाब से हमको चाहिए एक सिग्मा एफ डी और सिग्मा एफ डी स्क्वायर। एफ हमारे पास है, डी हमारे पास आ गया, डी स्क्वायर चाहिए हमें, इसका स्क्वायर कर लीजिए, 361, 81, 1 और 1, 2, 1। अब देखिए हमको चाहिए एफ डी स्क्वायर और सिग्मा एफ डी, तो एफ डी स्क्वायर का मतलब होता है आपको चाहिए यहाँ पर एफ डी स्क्वायर एंड एफ डी। एफ डी स्क्वायर मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 361, 162, 4 एंड 363। एफ डी चाहिए, एफ डी दिस वन, -19, -18, 4 और 33। अब देखिए इसकी फॉर्मूले के हिसाब से हमको चाहिए सिग्मा एफ डी स्क्वायर और सिग्मा एफ डी, तो इनका टोटल करना है, ये हो जाएगा हमारे पास सिग्मा एफ डी स्क्वायर, इसका टोटल कर लेंगे, इसका टोटल है 890। और एक हमको चाहिए क्या, सिग्मा एफ डी, सिग्मा एफ डी देखिए कितना रहा, 19 और 18 37 और 33 और 4 37, तो टोटल इसका टोटल कितना हो गया, 0, ठीक है, 0 आ गया टोटल। अब देखिए इस फॉर्मूले में रख लेते हैं सारी वैल्यूज़ को, ये हमारा सिग्मा इज इक्वल टू, ये सेम फॉर्मूला, अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन एन होल स्क्वायर, क्लियर है। अब देखिए सिग्मा एफ डी स्क्वायर की वैल्यू देखिए 890, अंडर रूट 890 अपॉन एन है हमारे पास 10। और अब देखिए सिग्मा एफ डी अपॉन एन, सिग्मा एफ डी की वैल्यू 0, तो ये वाला पोर्शन सारा क्या हो गया, 0, तो ये टोटल हो गया हमारा 890 अपॉन 10 इज इक्वल टू अंडर रूट 89 विच इज इक्वल टू 9.43। तो ये 9.43 इसका क्या हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन। अब देखिए जब भी हम स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करते हैं डिस्पर्सन के अंदर, तो डिस्पर्सन के जैसे हमारे पास कुछ सारे मेजर्स होते हैं, हमारे पास है मीन डेविएशन एक मेज़र होता है, मीन डेविएशन आप मीन से निकाल सकते हैं या मीडियन से भी निकाल सकते हैं, कहीं से भी आप मीन डेविएशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास स्क्यूनेस होता है, कर्ल्टसिस होता है, ये हमारे पास जो तीन चार जो बेसिक टूल्स होते हैं डेविएशन निकालने के लिए, उनमें से सबसे बेस्ट टूल जो हमारे पास है वो स्टैंडर्ड डेविएशन ही होता है। जब भी आपके पास कोई डेटा दिया हुआ है और हम रियल लाइफ में डेटा एनालिसिस के लिए जा रहे होते हैं, तो वहाँ पर जो सबसे बेस्ट टूल माना जाता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन ही है, जो कि आपके डेटा के डेविएशन को बताता है कि जो ये डेटा है ये कितना डेविएट हो रहा है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा ये। तो आपके पास जो भी जहाँ पर भी एक्सरसाइजेज हैं, बुक्स हैं, आप वहाँ पर से क्वेश्चंस कर सकते हैं, और रियल लाइफ में भी आप डेटा एनालिसिस के लिए अगर जाते हैं तो सबसे पहले आप स्टैंडर्ड डेविएशन को ज़रूर चेक कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए, थैंक यू।